योगी सरकार 2 के 6 वर्ष पूरे होने पर सरकार के संकल्प पत्र के रिपोर्ट कार्ड के बारे में जब केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल से वार्ता हुई तो उन्होंने खुलकर इस मुद्दे पर वार्ता की। उन्होंने योगी सरकार 2 पर ही नहीं बल्कि मोदी सरकार 2 के कार्यकाल पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार 2 का कार्यकाल देश के लिए स्वर्णिम कार्यकाल है। अगर बात की जाए योगी सरकार 2 की तो इस सरकार ने अपने संकल्प पत्र के सभी वादे पूरे किए हैं। इस सरकार में अपराधियों पर जमकर बुलडोजर चला है और उनकी कमर भी टूट गई है, यानी योगी सरकार 2 के कार्यकाल में प्रदेश अपराध मुक्त बनने की ओर है। पॉइंट पर एक वो हुई है मोदी 20 पर भी, और कल ही महाजन भवन में दिव्यांगजनों को कैलिपर्स भी दिए गए हैं और ट्राईसाइकिल दी गई है, उसके साथ वैसाखी दी गई है और वॉकर्स दिए गए हैं। तो कहने का मतलब है कि केवल केक खिलाकर, केक बांट करके या दीप दान करके या आरती उतार के या अगरबत्ती जला के इस बार जन्मदिन नहीं हुआ है। इस बार जन्मदिन मोदी जी का लोक कल्याण, गरीब कल्याण के रूप में हुआ। सेवा ही संगठन है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख लक्ष्य है। तो योगी 2 का अभी का कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है, खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर। गुप्तकाल भारत का स्वर्णयुग था, योगी मोदी काल भारत का स्वर्णयुग है। और आज 6 माह पूरे होने पर उन्होंने 6 महीने के अंतर्गत जो उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं वो एक प्रशंसनीय उनके जो कदम है। और सबसे बड़ी बात पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से अपराध और अपराधियों के ऊपर जो जीरो टॉलरेंस का जो उनका जो एक सोच है वो पूरी तरह आज पिछले कार्यकाल से लेके अब तक ये पूरी तरह उसमें जमीन पर उतरा है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता है पूरे भय मुक्त ये समाज इस समय जो जी रहा है, किसी तरह का किसी बदमाश की किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है। कि किसी पहले क्या होता था, कोई महिला जेवर पहन के कोई बहन बेटी जा रही है तो उस समय उनके साथ कभी भी कहने चाहिए उनकी लूट हो जाती थी और जो गहने छीन लिए जाते थे, विरोध करने पर हत्या कर दी जाती थी। लेकिन आज पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से अपराधियों का सफाया हुआ है, उस तरह से जो अपराधियों करते थे और जिस तरह से भूमाफिया थे जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जे करके जिस तरह से अपने बड़े बड़े मकान बना लिए थे, वो सबको जो है योगी जी ने धराशायी कर दिया है।